हम दरभंगा जिला के किरतपुर में है। किरतपुर में जो कोसी तटबंध का जो पश्चिमी तटबंध था उसके टूटने के बाद जो तबाही मचाई थी बाढ़ ने, उसी तबाही का एक ऐसा दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, शायद देखकर आपका दिल दहल जाएगा। सबसे पहले वो तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं, जूम करके थोड़ा दिखा दीजिए सहयोगी। ये देखिए, ये जो एक पुल आप देख पा रहे हैं, ब्रिज, ये पुल है, कह सकते हैं कि कोसी के पश्चिमी तटबंध जहां ये टूट गया था, अभी मरम्मत का कार्य चल रहा है, उसके ठीक बगल में एक पुल है और उसी पुल से ये भूगोल गांव आने का रास्ता है। मैं जहां खड़ा हूं ये वही रास्ता है, दिखाइए, ये यही रास्ता है। और इधर थोड़ा तस्वीर दिखा दिए, देखिए ये हृदय विदारक तस्वीर है इस गांव का। और देखिए ये थोड़ा इधर दिखा दिए, इधर का थोड़ा दिखाइए, देखिए ये जो मकान आप देख रहे हैं ये अभी भी लटका हुआ है, कह सकते हैं कि मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लोगों के जीवन का कमाया हुआ पैसा, उनका एक सपना होता है उनका अच्छा मकान बने, और इसी को लेकर के मेहनत के कमाए हुए एक एक रुपया किस तरह लोगों का पानी में बह गया, ये तस्वीर दरभंगा के किरतपुर के भूगोल गांव का है। अगर इधर की कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएं तो देखिए इधर भी मकान बना हुआ था और पूरा तैयार मकान था, सिर्फ उसका पिलर दिख रहा है और पूरा मकान जो है कह सकते हैं वो पानी में बह गया। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई, कुछ तबाही का दृश्य देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं भूगोल गांव में हूँ, इस परिवार का क्या स्थिति होता होगा जिनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मेरे ठीक बगल में ये जो घर दिख रहा है काफी ऊंचा घर है, मकान तो बना हुआ है लेकिन इसके आगे का पोजीशन अगर आप देख पाएंगे तो शायद आप ये सोचकर हैरत और अंगेज होगा आपको कि कैसे यह मकान अब तक टिका हुआ है, क्योंकि पानी और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पानी कम होने के बाद भी इस मकान की स्थिति वैसी होगी, क्योंकि इस मकान को फिर से उतना ही खर्चा करके इसको फिर से पुनः निर्माण करना पड़ेगा। और ये तस्वीर देखिए, हम थोड़ा तस्वीर आपको दिखाते हैं और कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब किरतपुर आए थे, पुना चौक आए थे, उनको जब इस बारे में जानकारी मिला तो उन्होंने जिला अधिकारी राजीव रोशन को इसका आंकलन करने के लिए कहा गया और कहा था कि एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तैयार करें, एक सप्ताह में रिपोर्ट दें और जितना क्षति हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी, यानी जिसके मकान का क्षति हुआ है, जिसकी कह सकते हैं कि सामान का क्षति हुआ उसका आंकलन किया जाए। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये भी एक शादी या विवाह का दहेज का मुझे लगता है कोई गोदरेज था, लेकिन आप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और कह सकते हैं कि इस गांव में इतना तबाही आया मचाया है बाढ़ ने, इतना नुकसान हुआ है कि यहाँ के लोग जब दर्द बयां करते हैं, अपने बारे में बताते हैं तो सुनने वाले को आंखों में भी आंसू आ जाता है। इसी गांव के एक हमारे साथ व्यक्ति है, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कितना क्षति हुआ था आपके गाँव में, कितना नुकसान हुआ था और इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे। सरकार लगातार डीएम को आदेश दे रहा है कि आप उसका आंकलन कीजिए, एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तैयार कीजिए, लेकिन उसके ऐलान करने का भी मुझे लगता है एक सप्ताह बीतने वाला है। क्या कुछ हुआ वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? दिल मोहम्मद। ये कौन सा गांव है? भूगोल। भूगोल गांव है। ये बांध जो टूटा था तो सबसे ज्यादा क्षति इसी गांव में हुआ है? इसी गांव में हुआ, सबसे ज्यादा क्षति इसी गांव में हुआ है। हाँ। और इसी एरिया में बहुत ज्यादा ही हुआ है। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि डीएम मुख्यमंत्री का आदेश था, क्या कोई आंकलन करने आया, रिपोर्ट तैयार करने आया, किसी ने नाम लिख के ले गया, कितना नुकसान हुआ, सब कोई? अभी तक कोई नहीं लिख पा रहा है, कोई नहीं हुआ है, कोई अभी तक नहीं लिखत पर ही कुछ नहीं हुआ, कोई अभी ऐसी सहायता नहीं है। हाँ। अभी बस वो 5 किलो अनाज बांट दिया है, बस वही मिला है। बस कितना क्षति हुआ होगा, कितना गांव में नुकसान हुआ है, कितना मकान जो क्षतिग्रस्त हो गया? तकरीबन यहाँ नहीं तो 150 घर तो नुकसान हो गया है। 150 घर से? 150 घर ज्यादा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। वहाँ तक है ना, आप कैमरा घुमाइए ना, वहाँ तक देखिए ना, वहाँ तक लीजिए ना, वो आगे भी आगे सब लीजिए ना, ये तो गाँव है, सब गाँव है, ये पूरी बस्ती है ये। अच्छा, ये पूरा बस्ती था? ये पूरी बस्ती है, ये देख पा रहे हैं यहाँ एक पेड़ भी है और ये कह सकते हैं कि ये पूरा बस्ती था। कल तक यहाँ परिवार खुशहाल थे, लोग। ये आपका घर है? ये वाला मेरा घर है। देखिए, ये पूरा यहाँ पर पूरा गांव खुशहाल था, लोगों में खुशियों का एक माहौल था, लेकिन क्या पता था इन लोगों को कि बाढ़ ऐसी तबाही मचाएगी कि ये लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, ये पूरा गांव था और उस तरफ का मोहल्ला, अगर उस तरफ का मोहल्ला आपको दिख रहा होगा तो उस तरफ के मोहल्ला और ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ था, कनेक्ट था। वहाँ देखिए कुछ एक्टिवा का दिख रहा है, कुछ मकान इधर गिर गया, कुछ मकान इधर गिर गया और बाकी जो बीच का मकान था पानी के ठीक स्लोडिंग के सामने, रफ्तार इतना तेज था कि सामने का जितना भी मकान था उसको बहा करके तेज बहाव में बह गया। इधर भी कुछ मकान थे वो भी उधर बह गए, तो कम कह सकते हैं कि नुकसान यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ है, उसकी भरपाई करना मुश्किल है। थोड़ा सा तस्वीर हम इधर की भी दिखाएंगे, गाँव के बीच में क्या स्थिति है, गाँव के अंदर क्या है वो दिखाएंगे। देखिए, गाँव के अंदर अभी भी एक हैंडपंप है वो दिख रहा है और शुरुआत में इधर दिखाएंगे, इधर कितना नुकसान हुआ वो देखिए। ये बिजली का तार है ना, ये बिजली का तार है, देखिए बिजली का तार अभी गिरा हुआ है, तो यहाँ स्थिति सामान होने में मुझे लगता है और भी समय लगेगा। थोड़ा सा ये समय ये दिखा दीजिए, देखिए ये आपके सिस्टर का, ये सर क्या नाम है? क्या नाम है? सहना खातून है सर, घर में। हाँ, उनका घर है। दिखाइए उनका जितना भी सामान था, कह सकते देखिए उनके दहेज का सामान, अगर उसके अंदर जाइएगा तो देखिए पंखा और भी, ये देखिए इधर थोड़ा दिखाइए पंखा, देखिए मकान लटक रहा है, तो कह सकते हैं कि ये घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। देखिए इतने जल्दी में लोग घर को खाली किए, इतना आनन फानन में, क्योंकि प्रशासन यहाँ जब आए, अनुमंडल पदाधिकारी जब यहाँ पहुंचे, हालात को देखा, उनको लग गया था कि ये बांध से टूट जाएगा,
ये स्थिति में आनंद फानन में इस गांव को खाली करा दिया गया। इसी के नीचे धसा हुआ अभी तक, सर। अभी तक धसा हुआ। इसमें एक भी सुई तक का नहीं निकल पाया है, सारा सामान अभी इसी के अंदर धसा हुआ है। इसके अंदर जी एक भी सामान किसी का नहीं निकल पाया, क्योंकि इतना जल्दी में सब कुछ था कि भागना बड़ा मुश्किल। बिल्कुल, सबको अपना जान बचाना, बच्चों को उस पर लेके जाना, सबको बहुत भारी पड़ रहा था। लोग किसी भी तरह जान बचा के निकले, क्योंकि छाती आपने देखा कितना नुकसान हुआ है। इधर भी कुछ सामान बिखरे हुए, ये सामने ये देख सकते हैं, इधर भी ये पूरा बर्बाद है। ये घर जो है, अगर ये घर की तरफ आप देखें तो देखिए, ये घर वाले को भी बहुत जल्दी में घर खाली करना था, और इतना जल्दी में खाली करना था कि इनको क्या पता था कि हमारे घर इस तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। देखिए कितने मेहनत से घर को बनाया, सजाया और इसमें रंग कलर भी किया, कह सकते हैं। ये देखिए इधर, इधर देखिए, इधर पूरी तरह से, लेकिन यहाँ मुझे अभी भी डर लगता है। देखिए इधर कितनी सजावट है, बिजली का पूरा कनेक्शन, सब कुछ, गोदरेज, इधर सामान, और कह सकते हैं कि ये घर किनका था, कुछ पता चला? ये घर किनका था? इस घर किसका? मोहम्मद इसराइल का घर है ये, ईसा राय। ईसा राय का ये सर मकान था। अच्छा। इन्होंने भी जब जिस टाइम बांध टूटने का संभावना था, ये लोग अपना पूरा सामान छोड़ दिया, बच्चों के लिए सब भाग गया, घर में ताला मार के चले गए। बिल्कुल, सारा सामान, सबका सामान खत्म हो गया। इन सबका जितनी भी भूगोल गांव का सामान था, एक भी लोग सुई तक नहीं निकल पाया, क्योंकि लोगों का स्थिति इस तरह का बुरा हाल हो गया था। जो 1:15 रात को बांध टूटा, ये लोग कुछ लोग जो फंसा हुआ था, सुबह में ये लोग उस तरफ निकल पाया। और जो आप सामने वाला मकान देख रहे हैं, उसके अंदर एक लेडीज एक जेंट्स उसी के नीचे दब के अपना जान दे दिया। उसको भी बचाने वाला कोई भी नहीं आया। हाँ। 4 दिन के बाद उसका लाश मिला। कहाँ पे, क्या नाम था उनका? मतलब वो लोग हिंदू था, उसका उदय राव सा था बगल में। अच्छा, ये बगल में घर है। चलिए हम गांव के अंदर जाएंगे, गांव के कुछ और दृश्य उनको दिखाएंगे। आपका घर किधर है चाची? मेरा घर उस साइड में। आपका भी नुकसान है क्या? हाँ, घर मेरा नुकसान हुआ है। चलिए गांव के अंदर जाएंगे, उधर का जो दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।